हेलो दोस्तों, तो आ चुका है तुम्हारे एग्जाम्स का सहारा एंड्रियो, तुम्हें हंसाने। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता हूँ, बट तुम मेरे लिए क्या करते हो? हाँ, लाइक किया तुमने वीडियो को, सब्सक्राइब किया, अभी करो, बड़ा मेरे को भी खुश करो यार। तो हाँ, आज हम लोग फिर से हार्टून्स की एनिमेशन वीडियो देखने वाले हैं। तुम्हें पसंद है, मेरे को पसंद है, तो मैंने कहा क्यों नहीं। और देखो एग्जाम का मौसम चल रहा है, तो एग्जाम वाली वीडियो देखेंगे अपन, ये वाली इंडियन एग्जाम्स। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जले पे नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, मजा आएगा देखने में, आओ बैठो। ओके, तो अब तुम लोग आ गए हो दसवीं में। आता है। तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। हाँ सर, ठीक सीरियस हो। और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस काट रहा हूँ मैं। मगर क्यों? मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। सर इसकी हालत तो सही में भी सीरियस हो गई। बेटा बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो, अभी जरा से मैं हवा हवा ही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? What? ये लड़की पागल है, पंखे क्यों चलाया इसने? भाई बट टीचर्स लोग डायलॉग तो मारते हैं। भाई मेरे एक सर कहते थे एक थप्पड़ में मिरिंडा बना दूंगा। हैं? कैसे? बनाओ मेरे दोस्त को, मेरे को पीनी है। टी है चू, स्टैचू। अगर आप जरा सा भी हिल गए ना तो देख लेना, फिर आपको एक बहुत ही मुश्किल टास्क करना पड़ जाएगा। देखा, जलवे बोलते जलवे। निकल निकल, सीधे क्लास के बाहर निकल जाना, इधर देखना भी मत। और ये बेचारे बच्चे घर पे जा रहे हैं ना, इनको घर पे भी अलग ही लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बस खा पी के पड़े रहते हैं, पटोले सरी के। बोर्ड एग्जाम आ रही है पर इनको कोई सीरियसनेस नहीं है। मतलब रोटी ले रहा बेटा? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसे कौन ले लेगा रोटियां भाई? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। वाह वाह, मतलब वाह। चलते वो कोटा भेज देते हैं। किसको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बनूंगा वो क्या बोलते हैं, वो घास ले थी के आग लगाऊंगा मैं। करियर ऑप्शन अच्छा है भाई। तो आ गए फिर से। सो एग्जाम्स पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, पढ़ाई में जीव लगा ले थोड़ा सा। मतलब पढ़ाई जो करने में तुमको मौत आती है, और जिन बच्चों को मौत नहीं आती है। कब तक करोगे एक्टिंग? भाई मुझे लग रहा है ये वीडियो चला के मैं तुम्हारे जले पे नमक छिड़क रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा कल एग्जाम है और तुम ये वीडियो देख रहे हो। शांति से देखो अभी। तो जैसे ही हम लोग नौवीं से दसवीं में गए ना, हमारे ऊपर इतना दबाव डाला गया ना, हमारे स्कूल वालों के पास था बहुत बड़ा दिमाग, संभले नहीं संभला है इतना बड़ा दिमाग। इन्होंने पूरी क्लास में से कुछ 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा टॉपर 10। मतलब एग्जाम होने से पहले टॉपर डिसाइड कर लिए इन लोगों ने। ओए सुन लो रे, ओए इधर इधर, पढ़ना लिखना छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो तुम लोग। अब कुछ मतलब नहीं रहा पढ़ने में, क्योंकि टॉपर्स मिल चुके हैं हमको। हाँ, ये एग्जाम कब थी? पेड़ पढ़ो इनके, पेड़ पढ़ो। और तो और हमने पोस्टर्स भी छपवा लिए। टाडा सर, वर्ड्स टॉपर 10। जब डिसाइड हो ही चुका है कि ये लोग टॉपर बनने वाले है, तो इनको एग्जाम देने की जरूरत है क्या? भेज दो इनको घर घर, और क्या। जाओ जाओ घर जाओ। बेटा तुम तो बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा अभी भी छोटा ही है दिमाग। Obviously. तो हम लोग प्यार से इन टॉपर 10 को बुलाते थे टोपा 10, और सारे टीचर लोग इन 10 बच्चों को खोपचे में ले जाके जाने क्या गुप्त ज्ञान बांटते थे। देखो बेटा, बीड़ी कभी भी फूको ना, तो हमेशा उसका पूरा स्वाद लो। लो उसकी पूरी, लो ट्राई करो अब तुम लोग। और हाँ एक और बात, हमारे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी, और फैसिलिटीज के नाम पे। अरे बेटा चौक खत्म हो गई स्कूल में, एक तो तुम लोग फीस भी नहीं भर रहे ना। क्यों कर रहे हो हमारे साथ भाई? मेरे स्कूल में पता है एक बास्केट कोर्ट था, और उसका बास्केट एक बार टूट गया, उसमें ऐसा बास्केट करते नहीं, वो टूट गया, वो 2 साल तक सही नहीं हुआ। पता नहीं तब ऐसा कहाँ ले जा रहे थे। बेटा हमारे खाने के लाले पड़ रहे, एक रोटी नसीब नहीं हुई हमको 2 साल से। ये देखो मेरा पेट। फीस भर दो ना प्लीज। मैंने तो कब की भर दी फीस, तो एक बार फिर से भर दो। क्या चल जाएगा तुम्हारा इसमें? जाओ पैसे लेके आओ घर से, और लड़कियों को कुछ लेना देना नहीं है सबसे। भर रख के फिर से भर दो, क्या मतलब है ये? मेरे घर वाले मेरे को पैसे नहीं दे रहे खर्च करने के लिए, प्लीज फिर से। हैं? तो हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत धुआंधार चल रही थी, और हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। देखो बेटा ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में, इसमें पूरा जोर लगा दो। लाभ मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा भाई। ये तो किया है भाई, अच्छा लगता था यार। अच्छा वो निकलती थी? नहीं नहीं भाई, ठीक है।
एग्जाम ज्यादा जरूरी है। बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब रोटी किसका तो ये? अरे नीचे की राजी रोटी। तो फेविकोल की चमड़ियां निकालते निकालते हमको पता भी नहीं चला और हमारा पूरा साल निकल गया। फिर मैंने एक विषय पे थोड़ा सोचा कि हमारी एग्जाम भी तो है। सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हैं तो 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठेंगे और फिर खाना उतना जरूरी नहीं है। एक बार खाना खा लूंगा और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी, ठीक है। और एक इंसान सोए बिना भी रह सकता है, तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। भाई मुझे सबसे बताओ, किस किसने ऐसे टाइम टेबल बनाया है? मुझे पता है किसी का फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा खुद का नहीं हो रहा था यार। मैं सोचता था कि हाँ खाते खाते भी पढ़ूंगा, बट मैं खाते खाते बस टीवी देख रहा हूँ। तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। अब तो टॉपर हार्डी बजा रहे हैं। अगले दिन, ओ माय गॉड, मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया और ये मेरी चड्डी गीली कैसे हो गई? अब शगुन लगता है अब मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये अब शगुन को ठीक करने का एक ही रास्ता है, घास पी के आग लगाओ। सफलता की ओर एक और कदम। फिर एग्जाम के 2 दिन पहले इनकी उग्गत उड़ रही है। हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन लास्ट 2 डेज इन हिंदी। बदतमीज देख रहे हो, 95 पे भी रुक रहा बंदा, 100 चाहिए 2 दिन में। और इनके ऐसे चटक थंबनेल देख के एक बार को तुम्हारी आंखें भी चमक जाएगी और वो वीडियो भी ऐसी अजीब सी होगी ना। बेटा ओ इधर, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि तुमको ये वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? साल भर तुमने क्या जक मराया? तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी झंड है। तुम्हारे घर में पंखा हो तो उस पर लटक जाओ, नहीं तो छत से कूद जाओ। कोई मतलब ही नहीं है अब तुम्हारा इस जिंदगी में, बस धरती पे बोझ हो तुम, कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन पहले इनकी उग्गत उड़ रही है, कूद जाओ। हाँ कूद जाओ, सोचो मत कुछ इतना, कूद जाओ। ये तो फोटो तो आएगा पेपर में, ये देख के ही माँ बाप खुश हो जाएंगे तुम्हारे। और एग्जाम के 1 दिन पहले रात में, बेटा जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा है, पूरे 24 घंटे, और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैं, हम सब लोग 24 घंटे की मैराथन लगा रहे हैं, जिसमें तुमको हमारे साथ खड़े होके भागना होगा। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी भागने की प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुमको घर छोड़ के भागना ही है। तो हमारा कोई सा तो सेंटर आया था, वहाँ पे हम लोग एग्जाम देने गए थे। तैयारी तो हो रही है, था वहाँ पे हम लोग एग्जाम देने गए थे, वो सेंटर नहीं था। जने कौन से जंगल के बीच में 4 पतरे लगा दिए और बोल रहे सेंटर है ये। हम लोग एग्जाम दे रहे, उधर पीछे कुत्ते चिपक रहे, गाय आके बच्चों के पेपर में पोटा कर रही है, और मेरी टेबल भाई साहब बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह डगमगा रही थी वो टेबल। तो मैंने सोचा कि वाह, मेरे को बहाना मिल जाएगा अब कम नंबर आएंगे तो, कि बेचारा बच्चा लिख ही नहीं पाया, टेबल खराब थी। और फिर रिजल्ट आते हैं ना, तो वो जो टॉपर 10 थे ना, उनको छोड़ के कोई अलग ही प्राणी टॉपर बन जाता है, जिसको आज तक तुमने कभी स्कूल में देखा ही नहीं होगा, वो तुम्हारी क्लास में ही था। फिर ये टॉपर को सम्मानित करने के लिए उसको हार वार पहनाते और फिर उसका फोटो खींच के पोस्टर छपा देते बड़े बड़े। टोपा वन, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, 99.9% शाबाश बेटा, सफलता की सीढ़ी नहीं लिफ्ट पे जा। ये देख बेचारा मर गया, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मर गया आज चढ़ा हुआ था भाई, इसको सबको ऐसा ही लगेगा ना, उसकी कोई गलती नहीं है। ओके अभी आप लोग दूसरी वाली एनिमेशन वीडियो देखते हैं, रिच पीपल। ओके मेरी बात हो रही है शायद। अरे सर आप कुछ भी कर लीजिए, इस नालायक बच्चे का एडमिशन हमारे कॉलेज में हो ही नहीं सकता। गवार, जाहिल, डीट, गरीब, ऐसे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन। सर आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश। सर यहाँ पर ये सब नहीं चलता। सर ये फॉर्म भर के लिए है ना आपका एडमिशन पक्का, मतलब आपके बच्चे का, और आप भी करवा लीजिए, आपका भी हो जाएगा। कितना क्यूट बच्चा है यार आपका। सर सर वैसे आप फीस अलग से दोगे या इसमें ही हो गया? तो ट्रू है भाई। तो आ गए फिर से, तो आई एम श्योर कि तुमने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे। अरे भाभी जी, मैंने तो इनको बोला कि मुझे ये साड़ी पसंद है, बोलो अब ये तो पूरी 50 साड़ियाँ ले आए ऐसी। 50? बताओ अब क्या करूँ इतनी साड़ियों का। हाँ तो बेचने निकल जाओ और क्या, अच्छी बिकेगी। भाभी देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, घमंड वाली कोई बात नहीं। देखो हमको तो सोचना पड़ता है कि पैसे खर्च का पे करे, पैसा ही इतना है यार क्या करे। भाभी सेम। भाभी ये वाली साड़ी तो देखो बिल्कुल तम्बाकू कलर की है ना। हाँ तो खा जाओ।
चबा चबा के खाना भी तो गले में अटक जाएगी। भाई व्हाट, रोज करने में लगी हुई है यार। ठीक है जा रही हूँ मैं। एक और बात बताओ भाभी जी, इतना कमाते हैं हम लोग लेकिन आज तक हमारे मन में घमंड नाम की कोई चीज ही पैदा नहीं हुई। ग्राउंड टू डाउन रहते हम, अंडरग्राउंड भी हो जाते कभी कभी क्योंकि ब्लैक का आता है ना। तो क्या तुम लोग भी बनना चाहते हो रईस? तो क्या तुम लोग भी ले जाना चाहते हो टिफिन में वो एल्यूमिनियम फॉइल? कल सुबह 9:30 बजे काला भाई, वो एल्यूमिनियम फॉइल मैं कभी नहीं लेगा। मेरी मम्मी कागज में लपेट के दे देती थी, उसके भी जो अक्षर थे वो ऐसा पराठे पे चिपक जाते थे और ऊपर से कुछ बच्चे क्लास में एल्यूमिनियम फॉइल में पराठा लपेट के। मेरी भाई 9:30 बजे उठ जाना और साड़ी पहन के घर से निकल जाना और फिर दिवाली का चंदा। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि लोग ऐसे ही रईस थोड़ी ना बन जाते हैं। सो हियर इज अल्टीमेट गाइड हाउ टू बिकम अ रिच। यस, पावर्ड बाय कोप्रायोजुक बाय हार्ट टून्स पिक्रायोजा। बस बस, तो हम लोगों ने बहुत सोचा और फाइनली हम एक कॉन्क्लूजन पे आए कि हम लोग लूटपाट करने के लिए बन सकते हैं डॉक्टर्स। अरे डॉक्टर साहब सुनो। हाँ क्या हो रहा है तुमको? अरे मेरा पेट दुख रहा। आ, आ। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके लिए तो तुमको ये भी अरे ये लिख के तो मजा ही आ जाएगा। और 10,000 रुपए निकाल दो फिर। डॉक्टर साहब आपने चेक तो किया ही नहीं। अरे मैंने सब आंखों से ही चेक कर लिया। जाओ जाओ तुम। अब नहीं, आप चेक करो सर। एक इमरजेंसी केस है इस डोकरे का। बेटा मुझे प्लीज बचा लो बेटा, मैं जीना चाहता हूँ बेटा, प्लीज मुझे बचा लो। आप घबराइए मत। जल्दी निकालो इसकी किडनी। हाँ हेड साहब क्या चल रहा है यहाँ पे? सर वो मैं तो डॉग साहब हूँ ना। भा, भा, डॉग साहब इंजीनियर्स। छोड़ो ये तो बेचारे बेरोजगार होते हैं, ये किसी को लूटते नहीं है, खुद ही लूटा जाते कॉलेज की फीस भर भर के। सर मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ, मेरे 12th में 99.99% कीटाणुओं का सफाया भी करा था डेटॉल पीपी के। बेटा पर अफसोस सीट बिल्कुल खाली है ही नहीं, मैं चाह कर भी तुम्हें सीट नहीं दे सकता। देखो मैं चाह भी रहा हूँ। सर एडमिशन चाहिए मेरे को, 12वीं फेल हूँ। अरे सर मिल जाएगा मिल जाएगा। यूट्यूबर्स। हाँ हो गया चलो। अरे रुको दो मिनट। हाँ अब चल। सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है हर्डी और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम इस घर को जला दें तो क्या होता है। अलग से ही मजा आ जाएगा है ना मजे। तो हमारे तो खुजली है ही सही, लेकिन आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। अभी इस घर में कोई नहीं, आप देख सकते हैं बहुत ही सेफ्टी के साथ होता है ये सब काम। तो जैसा कि हम आपको बोलते हैं कि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। आग लग गई, बचाओ बचाओ। सेफ है भाई सेफ। अरे इधर कहाँ रहा तू? एक्सपेरिमेंट। तो पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि यूट्यूबर तो भाई साहब पैसा कमा रहे करोड़पति आदमी। नहीं, लेट मी क्लियर कि यूट्यूब अमेरिका का दलाल है, ठीक है भैया। आपने लाइव वीडियो पे 1,00,000 व्यूज हो गए। क्या? अरे का बेरियों का सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे वाह। अरे चिंटू मिंटू टिंकू मिंटू छोटू मोटू लोटू गोटू सब आ जाओ, आज तो पार्टी होगी। बाकी ये यूट्यूब वाले शायद 4-5 0 लगाना भूल गए। अमेरिका का दलाल। अरे भाई तू भी तो खा। अरे भाई को खुशी के आंसू आ रहे। चलो इसी बात पे एक एक आइसक्रीम और हो जाए भाई। वो इसीलिए नहीं खा रहा क्योंकि 50 रुपए में कितना पेट भरेगा। भाई से मैम, ओ मैम ये हो गया साफ। वो वहाँ पे बचा है थोड़ा, उधर देखो। मैम हो गया, मैम हो गया। अभी झाड़ू बाकी है। हार्ड टून्स लाइफस्टाइल रिवील्ड #। आप जाओगे बच्चे को पकड़ने और उसे किडनैप करके आ जाओगे और मैं वैन चलाऊंगी, आप उसको पकड़ के लाओगे। बाकी मैं चलाऊं क्या वैन? नहीं मैं चलाऊंगी ना, एक बार बोल दिया ना। भाई पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता, देख रहे हो तुम? लास्ट वाला तरीका अच्छा है। जाओ लेके आओ।
जल्दी। ए बच्चे ओए चल आजा, तेरे को मम्मी के पास ले जाऊंगा तेरी। नहीं मम्मा ने मेरे को अनजान लोगों के साथ जाने का मना बोला है। अरे अपन अनजान थोड़ी नहीं है, ये ले चॉकलेट खा। नहीं मेरे को नहीं खाना। अबे खा चॉकलेट साले, इसे कैसे नहीं खाएगा तू चॉकलेट। कितना आसान था ये काम। आई एम प्रो, वाई आई एम हियर एनीमोर। यही है वो दरिंदा, मारो साले को। अरे अरे आप सब गलत समझ रहे हैं, मैं तो इसके साथ खेल रहा था, देखो ये मेरा दोस्त है। झूलो। ए दरिंदे हाथ ऊपर। ए बाकी पाखी दरवाजा खोल। पाखी पुलिस आ गई, जल्दी दरवाजा खोल। हैंड्स अप। वैसे जेल में भी मैं तो खुश हूँ, मस्त खाना पीना मिलता है। ये लो खाना। बचपन में लगता था ये कोई पैसे नहीं कमा पा रहा है तो जेल चला जाए, फ्री का खाना और रहना तो मिलेगा। फिर ये बात मैंने मम्मी को बोली। मम्मी ने जो कूटा है वो उस दिन। देखो बात तो सही है। देखो भैया, पिछली बार आपकी ना समझी और बेवकूफी की वजह से आप पकड़े गए। लेकिन इस बार मेरे पास एक मास्टर प्लान है, इस बार अपन दोनों जाएंगे बैंक लूटने। जल्दी गाल भाई से। ए चलो भैया जल्दी, पुलिस आ रही है। जल्दी जल्दी। यस बाकी फाइनली अपना प्लान कामयाब हुआ। अब तो पुलिस वालों के सामने नंगा नाचूंगा मैं। चाबी, बाकी चाबी कहाँ है? आपके पास ही तो थी। वो मेरे को नंगा करके मारेंगे। चाबी कहाँ है? आपके पास ही तो थी। वो मेरे को नंगा करके मारेंगे, मैं उनके सामने नाचूंगा क्या? ए बाकी मिल गई। फाइनली प्लान कामयाब। हैंड्स अप। हाँ गिरफ्तार कर लो इस दरिंदे को, ये मेरे को भी किडनैप करके ले जाने वाला था। तो तुम में से भी कई लोगों के रईस दोस्त होंगे, वो लोग लाते थे टिफिन के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल, लेकिन मेरे को लगता था कि वो सिल्वर फॉइल है। मेरे को दे देना ये। क्या ये? अरे खाना नहीं, वो करोड़पति बन जाऊंगा इसको बेच के। भाई मेरे को थोड़ा टाइम लगता था, बट मेरे को पता लग गया था यार ये फैक्ट क्यों रहे फिर इसको, अगर ये करोड़ों का होता तो। बट हाँ, इसी के साथ आई गेस इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो गया है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो तुम ये वीडियो। और हाँ, अगर तुम लोगों को मेरे से बातचीत करनी है तो तुम लोग इंस्टा पे आ सकते हो, नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आके फॉलो भी कर लेना। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय।